मुझे याद है मैंने खुद हज किया था 1995 में, हज कमेटी के साथ। तो जो दुश्वारियां आती है अक्सर जब आप पहली बार एयरपोर्ट पे चले जाते हो, उतर जाते हो, तो वहां आपको करीबन 4 से 5 घंटे रुकना पड़ता है। वहां से आपकी इम्तिहान शुरू होती है, उन हाजियों की किस तरह आप उनके पीछे मेहनत करें, उनकी देखभाल, उनको कंफर्ट लेवल कैसे लाए। वो दौर जो है उसमें आपको खुशगवार माहौल बनाना चाहिए। मैं एक मिसाल दूंगा, उस दौर में मैं जब गया था तो कुछ फील्डों में मैंने भी जाके थोड़ा हिस्सा लिया और क्या कोशिश की कि जो हजरात हज के लिए आए हैं, जवान भी हो, बूढ़े भी हो, सही भी हो, कोई ना कोई मरीज होगा तो उनकी दवाइयों के लिस्ट होगा। तो सुबह जाके पूछे, आपने डायबिटीज की दवाई ली, आपने ब्लड प्रेशर की दवाई ली। अगर इस तरह का खुशगवार माहौल आप बनाए तो शायद डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और पहला जो उम्रा होता है वो हाजियों के लिए बहुत खौफजादा भी रहते हैं, हाजी किस तरह होगा, कैसे होगा। जब पहला उम्रा आप सही तरीके से करवाओगे तो आपने 50% काम आपका हो गया। मैं एक सजेशन दूंगा हमारे मिनिस्टर साहब को और सीओ को और यहाँ की जो कमेटी के मेंबरान हैं, एक इवैल्यूएशन फॉर्म रखिए कि एक खादिम हुजाज के वो डायरे के अंदर कम से कम कंप्लेंट किसकी आई, उस 10 लोगों को आप फेलिसिटेट कीजिए। देखिए मेरे इदारों पे 110 इदारे हैं, 110 प्रिंसिपल्स हैं। जो सबसे कम मेरे पास शिकायत लेके जो प्रिंसिपल आता है वो सबसे बेहतरीन है। वो इसलिए कि वो मसाइल अपने लेवल पे हल करता है, और जो खादिम हुजाज की तरफ से कम तक कंप्लेंट आएगी वो सबसे बेहतरीन खादिम हुजाज है। और मैंने ये बुकलेट बड़े डिटेल में आप इसकी थोड़ी डिटेल में स्टडी की। इसमें आपको ट्रेन किया गया है, भगदौड़ होती है जब आप किस तरह से उसमें लोगों की सहायता करें, मदद करें। कभी कभी और आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप भी हज होने को जा रहे हैं, आप भी हाजी बनने को जा रहे हैं। तो ये मैं इसके पहले भी बहुत सारे इस तरह के मीटिंग देखे, हमारे इस्लाम में भी हुआ करती थी। इज्जत मान जनाब डॉक्टर ज़हीर काजी साहब, सऊदी अरब में हमारे कौंसलर जनरल रहमान साहब, हज कमेटी ऑफ इंडिया के बहुत ही मेहनती तेज तर्रार सीओ मखसूस खान साहब, हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऑनरेबल मेंबर्स यहाँ पर मौजूद, सऊदी अरब में कौंसलर जनरल के साथ डिप्टी कौंसलर, हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीनियर ऑफिशियल्स और पूरे मुल्क से आज यहाँ पर इकट्ठा हुए खालिकुल हुज्जाज हजरात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह। इस बार सभी पूरे हज की तैयारी लगभग 3 महीने पहले शुरू की गई, और मुझे इस बात की खुशी है कि हज कमेटी हमारे सऊदी अरब में जो हमारा काउंसलेट है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने मिल करके और ये पूरी की पूरी तैयारी पूरी की। और जब आज यहाँ पर आप बैठे हुए हैं तो भी मेरी समझ से 2 से
तीन महीने पहले हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसी तरह से मक्के में, मदीने में जो तमाम लोग हिंदुस्तान से हज के लिए जाएंगे, उनके लिए वहां पर एकोमोडेशन, रहने की रिहाइश, उसको भी हम लोगों ने, इस बार पहली बार है कि उसको सेलेक्ट करने का प्रोसेस जो हज कमेटी की टीम जाती है उसने शुरू किया है, और कई जगह पर उसके एग्रीमेंट भी हमारे कंसलेट ने करा है। उसका ये फायदा हुआ है कि हमें अच्छी बिल्डिंगें, अच्छी के साथ साथ बहुत ज्यादा महंगी बिल्डिंगें नहीं मिली। हमारा मुल्क जो है वो बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के मुसलमान हज, हिंदुस्तान के मुसलमान हज करने जाते हैं। दो कंट्रीज हैं जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया जहां से लगभग 2 लाख के इर्द गिर्द वहां के मुसलमान हज करने जाते हैं, दूसरा इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान जहां से लगभग 1,84,000 के इर्द गिर्द लोग हज करने जाते हैं। उस आज हमारे हिंदुस्तान जहां से 1,75,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी मुसलमान हज करने जाते हैं, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इस साल जो है हम पाकिस्तान के नंबर को क्रॉस करें। आपको के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लगभग 200 इर्द गिर्द जो हिंदुस्तान से हज करने जाएंगे तो उनकी उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर दी जाती है, उनको मैं पूरी तरह से उनको डायरेक्शन देना, उनकी देखभाल करना, क्या करना है क्या नहीं करना है, डू एंड डोंट्स, ये सारी जो है वो एक किताब में आपको मिला हुआ है, और उसके अलावा अभी जो आपका सेशन आगे होगा उसके बारे में आपको बताया जाएगा। हमारा मानना है कि एक अभी तक जो भी खातून जाज इससे पहले भी गए हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और इस बार आपको बहुत है। कभी कभी क्या होता था, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो बहुत जल्दबाजी में हुआ करता था क्योंकि पूरे के पूरे हज का प्रोसेस ही लेट होता था, इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस भी जल्दी जल्दी जो हुआ जल्दी से फाइनल करो, भाई भेजना है भेजना है। इस बार जो है वो जो सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत आराम से और बहुत अच्छी तरह से, और आप तमाम लोग जो लोग की बहुत ही डिवोटेड लोग हैं वो जा रहे हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि बहुत बड़ी तादाद में खवातीन भी हाजिबुल जाज के लिए सिलेक्ट की गई हैं। पिछली बार अप्रॉक्सीमेट शायद 11 गई थी, जो पहली बार है लगभग 11, और इस बार 22 जा रही हैं। मैं तो चाहता था कि कम से कम जो है वो 200-300 जो है वो खवातीन जो है वो खादिमुल हज्जाज की ड्यूटी पे होती, क्योंकि 50% खवातीन जो है वो जो एप्लीकेशंस हमारे पास आई हुई हैं, जो हज कमेटी के पास आई हुई है, डालना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो ले गए उसके बाद वो सब कुछ जो है वो कहीं पता नहीं चलता था। अभी सारी चीजें हैं, और अभी तक हमने कई प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को ब्लैकलिस्ट भी किया है, उनका 25-25 लाख रुपया जो उन्होंने उनका सिक्योरिटी था वो भी हमने जब्त किया है, और भी करेंगे, अभी हम करने वाले हैं उनको। तो इसलिए हो सकती है 1,25,000 से ज्यादा हज कमेटी से लोग जाएंगे, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी, और देखा जाएगा अगर कोटा हमारा बढ़ा तो कोटा बढ़ेगा तो और जो है वो हम देखेंगे, बात करेंगे, हज कमेटी अगर उसको ले जाने को तैयार होगी तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें मतलब
बैठो बैठो बात करना है। उसमें तो ये जो पूरे के पूरा प्रोसेस है ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। एक बात सही है, ये जो बेईमान और दलाल हैं इन पर थोड़ा लगाम लगी है, और ये बेईमानों और दलालों में थोड़ा डर भी है और थोड़ा बौखलाहट भी है, और आगे भी लगेगी, लगने वाली है, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमानों का, हिंदुस्तान के हाजियों का एक आने पाई का भी घपला नहीं होने देंगे। हमने बहुत साफ कह दिया है। तो जो बेईमान और दलाल है वो थोड़ा परेशान है, और अभी आगे उनकी परेशानी और बढ़ेगी, लेकिन हमारी कोशिश है कि कहीं पर भी कोई भी घपला घोटाला गड़बड़ छाला ना होने पाए, और इसलिए हमने सारी चीजें ट्रांसपेरेंट की है, चाहे वो सऊदी अरब हो वहां पर, और चाहे जो है वो हिंदुस्तान हो यहां पर। अभी हमने हज डिवीजन दिल्ली में, हमारा हज डिवीजन चल रहा है, हज डिवीजन में पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट तरीके से शुरू हुआ है। अभी अभी हम लोग पिछली बार आए थे तो जो हमारे सीओ साहब हैं उन्होंने जो पहले यहाँ पासपोर्ट होता था, जो हमारे लोग हाजी हजरात थे उनके पासपोर्ट आते थे, वो कहीं यहाँ पड़े रहते थे, कहीं यहाँ पड़े रहते थे, अभी उसका एक बहुत ही अच्छा सिस्टम, बहुत बढ़िया सिस्टम किया गया है कि हर जो हाजी होगा उसके पासपोर्ट को एक तरह से बहुत सेफ तरीके से रहेगा, वो कहीं पर भी उसमें गड़बड़ नहीं होगी, और भी चीजें जो बेहतरी के लिए किया जा सकता है वो किया जाएगा। आप सबको बहुत बहुत मुबारक, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, और मैं ये भी चाहूंगा कि जब हज का काम पूरा हो जाए और ये हमारे खादिमुल हुज्जाज हिंदुस्तान आए, जो बेहतर काम करें, अभी हम देने वाले हैं, जो पिछली बार जिन्होंने किया था उनको सर्टिफिकेट भी देने वाले हैं, अवार्ड भी देने वाले हैं, तो जो बेहतर काम करें उनको सर्टिफिकेट अवार्ड के लिए ऐसे ही एक बड़ा फंक्शन किया जाना चाहिए, और बड़े फंक्शन में उस तरह का अवार्ड दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। की तवज्जो हाजी और हाजियों के मसाइल पर हमेशा रही है, हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। हम शुक्रगुजार हैं जनाब ज़हीर हाजी साहब के, जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत करके अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू पेश किया। हम शुक्रगुजार हैं जनाब नूर रहमान शेर साहब, कौंसल जनरल ऑफ इंडिया, और जनाब शाहिद आलम साहब, डिप्टी कौंसल जनरल। हम तमाम मेम्बरान हज कमेटी का भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपना वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम में शिरकत की। हम तमाम ईओ हजरात का जो दूर दराज से इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए हैं। हम स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जो आए हैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को इतनी शिरकत करने के लिए वक्त निकाला। मैं हज कमेटी के तमाम स्टाफ और मेम्बरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए भरपूर कोशिश की, और जो पूरे मुल्क से खादिमुल हुज्जाज अप्रॉक्सीमेट 625 जो देश से हमारे हाजी जाने वाले हैं, हज करने जाने वाले हैं, उनके साथ जाने वाले हैं, उनकी आज यहाँ मीटिंग थी। हमारा हिंदुस्तान बहुत ही सौभाग्यशाली है कि दो इस्लामिक देश हैं, एक है इंडोनेशिया और एक है पाकिस्तान। इंडोनेशिया से आप अप्रॉक्सीमेट 221,000 मुसलमान हज करने जाते हैं, और पाकिस्तान से भी लगभग 182,000-183,000 मुसलमान हज करने जाते हैं, और उसके बाद हिंदुस्तान है जहाँ से कि 175,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी मुसलमान हज करने
इस बार जा रहा है, और ये नंबर जो है वो पिछली बार भी गया था, और ये नंबर जो है वो अभी तक की आज़ादी में के बाद से सबसे ज़्यादा नंबर है हज करने जाने वालों का। बग़ैर सब्सिडी का हज पिछली बार भी हुआ था और इस बार भी है, और बग़ैर सब्सिडी के हज के बग़ैर सब्सिडी के हज के बावजूद भी किसी भी तरह से हज के किराए को गैर ज़रूरी और गैर वाजिब बढ़ने नहीं दिया गया। और इस बार जो है वो GST जो 18% थी, 18% से 5% हुई है, उससे भी बहुत बड़े पैमाने पर जो हमारे हाजी हज करने जाने वाले हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनको बहुत बड़े पैमाने पर राहत मिलेगी। पिछली बार जो है वो विदाउट महरम लगभग 1300 महिलाएं हज पर गई थी, इस बार 2340 लेडीज़ बग़ैर महरम के हज पर जा रही हैं, जिनको कि बग़ैर लॉटरी के हज पर जाने का फ़ैसला लिया गया है और वो बग़ैर लॉटरी के हज पर जाने वाली हैं। ऑनलाइन हम लोगों ने डिजिटल कोशिश की कि हमारे हज का प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल हो सके, और इसलिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस, मोबाइल ऐप के ज़रिए एप्लीकेशंस, ये सारे के सारा प्रोसेस किया गया है, और उसका नतीजा हुआ है कि अप्रॉक्सीमेट 40% के इर्द गिर्द ऑनलाइन एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, और जो ये टोटल नंबर इस बार जा रहे हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए, उसमें अप्रॉक्सीमेट 50% महिलाएं हज पर जाएंगी। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए भी इस बार हमने नई पॉलिसी ऐलान की है, और नई पॉलिसी में ट्रांसपेरेंट तरीके से ये पॉलिसी होगी। अभी लगभग एक हफ्ते पहले वो पॉलिसी हमने घोषित किया है, जिसमें कि जो भी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हिंदुस्तान के मुसलमानों को हज पर ले जाने वाले हैं या ले जाना चाहते हैं, उन्हें अपना पूरा डिटेल जो PTO से संबंधित हमारी वेबसाइट हमने अभी उसमें लॉन्च की है उसमें देना पड़ेगा कि किस जगह पे वो ठहराएंगे, कितना उनका किराया होगा, कितने और टोटल एक्सपेंडिचर्स होंगे, वो सारे के सारे जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से उन्हें देना होगा, और जितने भी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं उन्हें डालना पड़ेगा। तो लोगों को च्वाइस मिलेगी कि किसके साथ वो हज पर जाना चाहते हैं। जैसे पिछली बार हम लोगों ने एक शुरुआत की, जो इम्बार्केशन पॉइंट हैं, जो हवाई अड्डे हैं, उन हवाई अड्डों को हमने कहा कि लोगों को च्वाइस दी कि जो औरंगाबाद से जाने वाला व्यक्ति है वो मुंबई से भी जा सकता है, जो गया से जाने वाला व्यक्ति है वो कलकत्ता से भी जा सकता है। इसी तरह से अलग अलग जगहों के इम्बार्केशन पॉइंट का हमने लोगों को, ये पहली बार था कि च्वाइस दी गई, उसका बहुत अच्छा असर पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा, वो अभी भी इस बार भी वो लागू है। जो एक हम लोग के जो अभी तक हम लोगों ने एक कैलकुलेशन किया है कि इस बार जब GST कम होने की वजह से और जो एयरलाइंसेज हैं उनमें जो एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग कराई गई है उसकी वजह से अप्रॉक्सीमेट जो है वो श्रीनगर से जो जाने वाला हज यात्री होगा उसको 11,377 रुपीज़ लगभग कम देना पड़ेगा पिछली बार से। अहमदाबाद से जाने वाले हज यात्री को भी लगभग अप्रॉक्सीमेट 7,305 के इर्द गिर्द कम देना पड़ेगा। औरंगाबाद से जाने वाले को 9,373 के इर्द गिर्द कम देना पड़ेगा। गुवाहाटी से जो जाने वाला हज यात्री होगा, सॉरी गया से जो जाने वाला हज यात्री होगा उसको 11,237 कम देना पड़ेगा। गुवाहाटी से जो जाने वाला हज यात्री, क्योंकि ये ऐसे इम्बार्केशन पॉइंट है जहाँ ज़्यादा महंगे किराए हुआ करते थे, गुवाहाटी से भी जो जाएगा उसको भी 13,000 के इर्द गिर्द कम देना पड़ेगा। और इसी तरह से अलग अलग इम्बार्केशन पॉइंट से
काफ़ी बड़ी तादाद पे जो है वो लोगों को राहत मिलेगी। और सारा जो सऊदी अरब में हमारा जद्दा में कौंसलेट है वो पूरी तरह से जो हज का प्रोसेस है वो मजबूती से कर रहा है। इस बार जो बिल्डिंग्स होती हैं उन बिल्डिंग्स को भी प्रक्योर किराए पर लेने की का प्रोसेस और प्रक्रिया भी बहुत पहले शुरू की गई है, जिसकी वजह से अच्छी बिल्डिंग्स और सस्ती बिल्डिंग भी काफ़ी हद तक मिल रही है। हमारी कोशिश है कि बेहतर से बेहतर सफल हज हो सके, सुविधाओं से भरपूर हज हो सके, ट्रांसपेरेंट हो सके, और किसी भी तरह से ज़्यादा जो बिचौलियों की जो भूमिका है उसको कम किया जा सके, ताकि जो हिंदुस्तान से जाने वाले हज यात्री हैं उनको बड़े पैमाने पर राहत मिल सके और अच्छे से अच्छी तरह से वो हज कर सके। मुझे इतना ही कहना है। आप लोगों को कुछ GST तो बताया ना आपको कि जितने भी धार्मिक यात्राएं हैं, हमने आपको दो इस्लामिक कंट्रीज़ के नाम बताए, आप ज़रा वहाँ देख लीजिएगा टैक्सेस। और ये हमारा एक सेकुलर कंट्री है जहाँ पर कि हमने जो भी धार्मिक यात्राएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा होगा तो उसमें हज यात्रियों को फ़ायदा होगा। नहीं, इसीलिए हमने कहा ना जो और इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनको भी ये सुझाव देना चाहिए, हम तो कम कर ही रहे हैं। थैंक यू। हाँ वह वही कहा ना, जब तमाम वैट होता है जो सऊदी अरब में भी अलग अलग टैक्सेस अभी लगे हैं, तो वो ठीक है, वो अपनी अपनी सरकारों के अपने अपने फैसले हैं, लेकिन हमने सबने मिल करके और सर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे रिक्वेस्ट की, GST काउंसिल से रिक्वेस्ट की, मिनिस्ट्री ने उस बारे में बहुत ही उनसे कोऑर्डिनेट किया, रिक्वेस्ट की, हमने रिक्वेस्ट की, और उसके बाद उन्होंने जो 18% से 5% किया है, जो कि पहले भी 5% तो सालों से हम देते चले आ रहे हैं। सर, इस साल हज महंगा होने की संभावना है कि सस्ता होने की संभावना? मुझे लगता है कि रिकॉर्ड सस्ता होगा। पानी के जहाज़, तो मेरी कोशिश थी कि 2019 का हज पानी के जहाज़ से भी हो, लेकिन जो ग्लोबल टेंडर हमने फ्लोट किया था, तमाम दुनिया के तमाम बड़े बड़े जो शिपिंग कंपनीज़ हैं उनसे हमने उनके ऑफ़र्स मांगे थे, तो जो अभी ऑफ़र्स आए हैं वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इसलिए दोबारा हमने ग्लोबल टेंडर फ्लोट किया है। सऊदी सरकार से भी काफ़ी हद तक उस सिलसिले में बातचीत हमारी काफ़ी हद तक हुई है, उसके कई और पहलू हैं, उस पर भी प्रोसेस हो रहा है। हमारी तो कोशिश है कि शुरू होना ही चाहिए, लेकिन यह है कि उसका किराया जो है वो पानी के जहाज़ का किराया हवाई जहाज़ से नीचे हो, ये हमारी कोशिश है। तो ये कोशिश हमारी है, देखते हैं क्या होता है। नई कमेटी के गठन की प्रोसेस शुरू हो गया है, और नई कमेटी के का प्रोसेस क्योंकि सरकार ने शुरू कर दिया है, वो देखेंगे जब नई कमेटी आएगी, अभी तो है ही ये कमेटी। इलेक्शन से पहले कमेटी आएगी कि इलेक्शन? लेट्स वेट वेट वेट। ग्लोबल टेंडर ही होता है, एयरलाइंस का ग्लोबल टेंडर ही होता है। एक्चुअली जो हमारा बायलेटरल एग्रीमेंट है सऊदी सरकार के साथ, उसमें 50% हमें सऊदी एयरलाइंस को जो हमारे हज पैसेंजर्स हैं उनको देना पड़ता है 50% का, और 50% हमारी जो इंडियन एयरलाइंसेज हैं, इंडियन एयरलाइन नहीं, एयरलाइंसेज भारतीय जो हमारी विमान कंपनियां हैं उनको देना पड़ता है। तो अभी ग्लोबल टेंडर अभी ख़त्म हुआ है और उसका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। नहीं, हमें तो 100% हमारे हाथ में है, आपने कहा ना कि 50% जो है वो उनको देना पड़ता है। हाँ, लेकिन लेकिन वो टेंडर में उनको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। 50% में जो है वो इंडियन एयरलाइन से क्यों आती है, दूसरी एयरलाइन क्यों नहीं आती है? दूसरे भी आते हैं
और इस बार भी शायद स्पाइस जेट भी आया है और कई आते हैं, वो तो जो भरेगा वो, अगर वो उसने L1 आया तो आएगा। चार पांच एयरलाइन ने भरा लेकिन L1 देखो क्या है ना, दो ये मतलब कोई लाखों की तादाद में लोगों को ले जाना है, सैकड़ों की तादाद में एयरक्राफ्ट चाहिए, सैकड़ों की तादाद में एयरक्राफ्ट चाहिए। 21 इम्बार्केशन पॉइंट से हिंदुस्तान से हाजियों को ले जाना है, 21 इम्बार्केशन पॉइंट। मतलब हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो से जो है वो हिंदुस्तान में हाजी जाते हैं। तो जो एयरलाइंस ले जाने की ताकत, ऐसे तो बहुत से लोग भर देते हैं लेकिन उनकी ताकत ही नहीं, बाद में उनका पता लगा कि हवाई जहाज जो है वो इस लायक ही नहीं कि ले जा पाए। इस बार देखिए, मैंने इस बार जो है वो कोशिश ये हुई कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो थोड़ा पहले किया जाए, 3 महीने पहले सारे के सारे तैयारियां और सारे के सारा प्रोसेस हुआ है, तो उसमें सिलेक्शन का प्रोसेस भी खादिमुल हुज्जाज का पहले हुआ है। उसमें कोशिश हुई है कि बेहतर से बेहतर लोग, अच्छे से अच्छे लोग जो कि खिदमत के जज्बे से जा सकें वो जाए, तो अच्छे लोग जा रहे हैं। पॉलिटिकल बाहर कर लेंगे यार, नॉन पॉलिटिकल यहाँ कर लो। बहुत अच्छे। थैंक यू भैया, अभी खाना खाइए बाद में। ये अच्छा। देखिए माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का रिकॉर्ड बजट बढ़ा है, लगातार बढ़ा है, और इस बार भी जो है वो आप, क्योंकि हमारा ये इस बार इंटरिम बजट है, आप ज़रा बजट को ध्यान से देखेंगे तो इस बार भी हमारा बजट बढ़ा है, ख़ास तौर से एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के, जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI, गर्ल्स हॉस्टल, हॉस्टल्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, सद्भावना मंडप यानी कम्युनिटी सेंटर्स, ये तमाम ऐसे हैं जो कि हमने रिकॉर्ड जो है वो इस बीच में हमने उनके अलग अलग जगहों पे उसका कंस्ट्रक्शन करवाया है, निर्माण करवाया है, और ये पहली हिंदुस्तान की हिस्ट्री में होगा कि हम इन 4 सालों में 4 करोड़ से ज़्यादा छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जो अभी तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में। और वो एक उससे भी इम्पॉर्टेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स है सभी, उनमें जो है वो 90% मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स स्कॉलरशिप देती है और 10% और डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज देती हैं, इसीलिए स्कॉलरशिप पोर्टल भी हमने, हमारी मिनिस्ट्री चला रही है सारी सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसलिए जो है वो कहीं पर भी जो है वो बजट में कोई कमी नहीं है, बजट हर बार बढ़ा है, और पैसे की मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में इन 3-4 सालों में कोई कमी ना आई है ना आने वाले दिनों में आएगी। नहीं, बजट नहीं कम किया और बढ़ा दिया। नहीं, पहले हम कार्पस फंड देते थे, कार्पस फंड का मैं बताता हूँ, कार्पस फंड देते थे 1,20,000, 1,120 करोड़। अब हमने कार्पस फंड की जगह ग्रांट देना शुरू कर दिया है 70-75 लाख। वो ग्रांट जो है वो 100% उनको एक्सपेंडिचर उसका करना होगा, कार्पस फंड का एक्सपेंडिचर वो नहीं कर सकते, वो FD में डालेंगे, और FD में डालने के बाद जो उसका ब्याज आएगा, इंटरेस्ट आएगा, वो खर्च कर सकते थे। इसीलिए पिछली बार मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन ने शायद 35,000 या 40,000 लड़कियों को स्कॉलरशिप दी थी, इस बार हम 2 लाख लड़कियों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, 2 लाख।
नहीं नहीं मुझे लगता है कि या तो हम आपको समझा नहीं पाए, आप ने उस समय सुना नहीं होगा है? सब्सिडी ड्यूटी का कुछ नहीं फायदा था। सब्सिडी जो है वो मुसलमानों के सर पर एक तोहमत थी, मुसलमानों को कोई फायदा नहीं होता था। हमने बिना सब्सिडी ख़त्म करके भी तो आपको दिखा दिया ना कि किराया नहीं बढ़ने दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? सब्सिडी यानी गड़बड़ झाला था। सब्सिडी का फायदा किसी और को होता था और बदनामी मुसलमानों की होती थी। और हम लोगों को देख करके, मैंने किसी अखबार में पढ़ा, सच है कि झूठ है मुझे मालूम नहीं, पाकिस्तान ने भी सब्सिडी ख़त्म की है। आप पाकिस्तान हाँ हैं हाँ तो वही कह रहे ना, वहाँ पे ही लोगों ने कहा होगा कि तुम जो है वो घड़बड़ सड़बड़ कर रहे हो सब्सिडी के नाम पे। जब यहाँ देखा होगा कि सब्सिडी खत्म होने के बाद भी किराया तो बढ़ा नहीं, तो क्या हो रहा था। और ये मैं बताऊँ आपको, ये थोड़ी हिम्मत की बात थी। ये बहुत डर था कि भाई इस सब्सिडी ख़त्म होने के बाद तो फिर क्या होगा, क्या शोर मचेगा। इसीलिए हम लोगों ने जो है वो इम्बार्केशन पॉइंट चॉइस दिए उस टाइम पे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मजाक उड़ाया। देखिए कुछ लोगों को जो देश की सुरक्षा है उस सुरक्षा पर सवाल करने, इस पर कंफ्यूजन क्रिएट करने और उसको बदनाम करने के लिए सुबह की, और जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं निश्चित तौर से वो देश के हित में नहीं है, बल्कि वो एक आपराधिक मानसिकता, एक क्रिमिनल मेंटेलिटी के तहत इस तरह की षड्यंत्र और साजिशें कर रहे हैं। आज जो है वो जो लोग अभी तक जिनका धंधा हेरा फेरी था, जिनका धंधा जो है वो देश में जो है वो घोटाले और भ्रष्टाचार था, वो एक साफ सुथरी व्यवस्था से परेशान है, हताश है, निराश है, और उनके अंदर इस तरह की बेचैनी है। जो लोग ये जो जिस तरह की नकारात्मक चीज़ें, उससे एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ती है कि सामंती सियासत के राहुल गांधी जी आखिरी मुगल साबित हैं, और उसके साथ ही साथ वो कांग्रेस पार्टी का मंडल है। बाबा राम को कहते हैं जो भगवान राम है, राम को मुसलमानों दोनों के वंश मतलब ठीक है। बाबा राम जो कि महान गुरु हैं, योगा गुरु के हैं, महान गुरु भी वो क्या कहते हैं उस पर हमसे क्या टिप्पणी लेते हैं। सर एक बचपन से पहले उसको लेकर आपने कहा कि इस साल का जो है वो रिकॉर्ड सस्ता होगा, अगर उसको देखिए हज जो है वो बग़ैर सब्सिडी के हो रहा है हिंदुस्तान में, और बग़ैर सब्सिडी का हज होने के बावजूद भी किसी भी तरह से जो हिंदुस्तान से जाने वाले हज यात्री हैं उन पर कोई भी गैर वाजिब बोझ पड़ने नहीं दिया गया, पड़ने नहीं दिया गया। पिछली बार भी बिना सब्सिडी का हज हुआ था, और इस बार भी बिना सब्सिडी के साथ साथ GST भी कम हुई है। सर ये आपने कहा कि जो सब्सिडी हटा दी गई है यहाँ इंडिया में, पाकिस्तान में भी सब्सिडी हटा दी है, मेरी जानकारी में आई है कि उन्होंने भी जब यहाँ पे यहाँ का आकलन किया, देखा कि साहब ये सब्सिडी जो है वो एक कहीं ना कहीं धोखा था, किसी और मुल्क में दी नहीं जाती। देखिए हिंदुस्तान एक अकेला देश होगा गैर इस्लामिक देश जहाँ से इतनी बड़ी तादाद में हज यात्री जाते होंगे। सबसे नंबर वन पे इंडोनेशिया है, दूसरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में हज यात्रियों का ज़्यादा 10-15 हज़ार का फ़र्क है। कोशिश है कि हो सकता है कि हिंदुस्तान के यात्री इस बार जो है वो और ज़्यादा बड़ी संख्या में जाए,